अम्मा 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 ये क्या हो गया? तेरी सास मर गई क्या? वो तो कमबख्त मुझे मार के ही मरेगी। तो फिर क्यों दाड़े मार मार के रो रही है? अम्मा अब मैं रो भी नहीं, वो मेरू है ना मनुष मारी, वो वापस आ गई है। हाँ है? वो कब आई? ये तो तूने बड़ी बुरी खबर सुनाई है। अम्मा अब तू मेरी सास से कहो कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और अपनी बेटी को लेके दफा हो जाए इस घर से। अरे मैं ये नहीं कह सकती। क्यों अम्मा क्यों नहीं कह सकती? ये मेरा घर है। बुढ़िया बहुत चालाक निकली, आज सादे कागज पे लिख के दे दिया कि ये घर सना के नाम है, उस पे तो रजिस्ट्री नहीं थी। है? अम्मा ये तू क्या कह रही है, तुझे पता नहीं चला? हाँ मैं कौन सी जायदादें खरीदती रही हूँ। हाय अम्मा लेकिन तू किसी को बताती, दिखाती तो कागजात। हाँ मैं तेरी खाला अजरा की तरफ गई थी, वहां अनवर को भी दिखाया, वो कह रहा था इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्यों अम्मा? वो चलाक बुढ़िया कमबख्त ने सादे पेपर पे लिख के दिया था कि घर सना के नाम है, उस पे कोई मोहर स्टैंप रजिस्ट्री कुछ भी नहीं है। हाय अम्मा इसका मतलब हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मगर मगर क्या, तू ना बहुत चालाक बनती थी, तूने तो मेरी नैया डुबो दी। ऐसा कुछ नहीं है। कैसी बात नहीं है अम्मा, अगर ऐसा होता ना तो मैं शरियार से शादी ना करती। हाँ तो क्या करती तू? कम से कम उसे मेहरू से तलाक तो दिलवाती, इस तरह शादी की हामी तो ना भरती। वो तो तू अभी भी कर सकती है। वो कैसे? शरियार को मुठ्ठे में कर, वरना हमें फिर उसी टूटे फूटे घर में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा अब देखना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं, देखना मैं क्या करती हूँ। सुन सबसे पहले ना इस मेहरू की बच्ची का पता साफ कर, इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब ना आने दे, ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमारा फायदा है। हाँ ठीक कह रही है, अब पहले हमें यही करना होगा। ओ समझ के करना है, अब जो भी करना है समझी। अच्छा तो कीनू तो खिला, कुछ खाया भी नहीं है मैंने। हाय तूने तो मेरे कीनू का मजा ही बर्बाद कर दिया है। गारत करे इस कंबक रफत को। अब रोज यहाँ पे कोई ना कोई तमाशा होगा। बेफिक्र हो जाए, मेहरू बहुत सब्र वाली है। तुमने उसे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। क्यों? मेहरू का इस घर पे कोई हक नहीं है। शेरी के लिए मुसीबत होगी। कैसी मुसीबत? घर का माहौल देखना कितना कशीदा हो जाएगा। हाँ तो ठीक है सना चली जाए इस घर से। लेकिन सारा शेरी तो परेशान होगा ना। तो आपके ख्याल में शेरी अभी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, बहुत खुश है अपनी जिंदगी में? सना के नाम का फंदा आपने उसके गले में डाला है। जाओ बाहर जाके देखो कहीं झगड़ा तो नहीं करी दोनों आपस में। सना अपनी अम्मी के रूम में। अब वो माँ बेटी बैठकर कोई मंसूबा बना रही होंगी। तो बनाती रहे, हमें कोई डर है क्या उनसे? तो मेहरू क्या कर लेगी? देखा नहीं आपने, मेहरू ने सना को लाजवाब कर दिया। कुछ भी हो उसे को चली गए यहाँ से। कैसी बातें करती हैं मॉम आप। उसका यहाँ आना और यहाँ रहना मेरी शिकस्त है। चाहे सना इस पूरे घर को तबाह कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक सना मुझे बहुत दुख दे रही है लेकिन मैं मेहरू को गले नहीं लगाऊंगी। ये जो आपकी जबरदस्ती की ईगो है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं रही, तुम मेहरू से को यहाँ से चली जाए। मॉम सोच लें, अगर मेहरू इस घर से गई तो मैं भी चली जाऊंगी। तुम कहाँ जाओगी? दादो के पास चली जाऊंगी, मैं इतने गंदे माहौल में नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आपको जो कहना है आप कहती रहे, मैं चली जाऊंगी, उसके बाद आप अपनी बहू को अकेले भुगतती रहिएगा। तुम चाहती हो तुम्हारी माँ हार जाए? मॉम प्लीज, ये हार जीत की कोई बात नहीं, मेहरू के शौहर का घर, हकदार है वो इस घर की। जितनी जल्दी हो आप इस बात को समझ जाए तो अच्छा।
ख्वाहिश की कश्ती डूबी अश्कों में, जीवन के सहरा में खोई महरू। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? हाँ आ तो गई हूँ मगर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। अपने रूम में मैं रू और कहाँ? मेरा रूम? हाँ तुम्हारा रूम, उसे तुम जैसा छोड़ के गई थी वैसे का वैसे ही है। तो फिर सना कहाँ रहती है? उसे दूसरे रूम में रखा है। और ये सब तुमने किया होगा? नहीं, ये लाशौरी तौर पे शेरी ने किया। मगर क्यों? मैं भी उसे यकीन हो कि तुम वापस आ जाओगी। शुक्र है मैं यहाँ से जाने के बावजूद भी शेरी के दिल में ही थी। अच्छा आप कितनी देर सोचती रहोगी, अब चलो भी। शेरी कब आएंगे? आजकल शेरी ऑफिस से बहुत लेट आ रहा है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। बट डोंट वरी, जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। अब बिलीव मी, सना से मिलने से पहले तुमसे मिलने आएगा। मगर कैसे? वो ऐसे कि जब वो मॉम को सलाम करने आएगा तो मैं बता दूंगी कि महरू वापस आ गई, और देखना तुमसे जरूर मिलने आएगा। तुम तो बहुत अकलमंद हो गई हो। अकलमंद तो मैं हमेशा से थी, लेकिन तुमने कभी गौर नहीं किया। अब चलें। क्या बात है भाई, बड़ी चुप चुप हो। क्यों, क्या अब मैं इस घर में चुप भी नहीं बैठ सकती? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बात है? मुझे आपकी बेटी की समझ में नहीं आती, जिस घर से उसको धुतकार के निकाल दिया गया हो वहां पे वो दोबारा चली गई। क्या चली गई? कैसे, कौन लेने आया था? सारा का फोन आया था, एक फोन आया नहीं, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने घर चले गई है। सिर्फ एक फोन कॉल पे चली गई, ये हैसियत है उसकी? भाई आखिर सारा को किसी ने कहा होगा ना कॉल करने के लिए, तो ही उसने की होगी ना। देखिए आपकी बेटी ने दोबारा मेरा दिल दुखाया, अगर इस दफा वो रोती भी वापस आई ना तो मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे खुदा का शुक्र है कि वो अपने घर चले गई है, और उसने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा आप जाओ और जाकर खाना गर्म करवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे सना शरियार को ना काबू में रख। मुझे फिक्र ना कर, वो काबू में ही है। मैरू कितनी बेगैरत है, जिस घर से धक्के दे के निकाली गई थी फिर वापस आ गई वहां पर। तू फिक्र ना कर अम्मा, मैं देख कैसे इसे धक्के देकर निकलवाती हूँ शरियार से। बड़ी तुर्रम खान बनी फिर रही है। हाँ तुम्हें ना तलाकनामा भी हो ना तो मजा आ जाएगा।
अब की बार ऐसा ही करूंगी, अब की मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मेहरू को निकल वाकई दम लूंगी। शहरयार की कॉल है। हेलो जी डार्लिंग, कहाँ हैं आप? मैं बस एक घंटे में पहुंच रहा हूँ। आज आप आएंगे ना तो डिनर हम साथ ही करेंगे। सॉरी सना, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खाना खा लो। देखें आप नहीं आते तो मैं भूखी रहती हूँ, आपको पता है ना। अरे तुम्हें बताया तो था कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। अच्छा नाराज ना हो, हम चाय एक साथ पी लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल जल्दी जल्दी खाना खा और कमरे में जा। हाँ हाँ माँ, दिक्कत तो बड़ा ही मजे का है। जाना मैं अपने घर चले गए। अच्छा तो हुआ, लेकिन लेकिन क्या, उसको खुद वहां नहीं जाना चाहिए था। अब उस घर में उसकी क्या हैसियत होगी? राहिला परेशान मत, हमारी महरू समझदार है, अपने मसाइल खुद हल कर सकती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आपको पता है वो जाते जाते क्या क्या कर गए? क्या बताओ ना। मुझे शर्म आती है। ऐसी कौन सी बात है तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? है ऐसी बात? चलो ठीक है, मैं नेहरू से पूछ लूंगा। आप उससे पूछेंगे? नहीं बताओगी तो उसी से पूछूंगा। वो क्या कर गए है कि अब इस घर में भी बच्चों की रौनक होनी चाहिए। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है वो, तुम बताओ कब दे रही है उस घर को खुशी? शेरी तुम आ गए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज है। वो क्या? गेस करो। अरे तुम बताओ ना। तो वो खुशखबरी ये है कि लगता है तुमने नहीं बताना, थका हूं अपने कमरे में जा रहा हूं। वैसे न्यूज ऐसी थी कि अगर तुम सुनते तो तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाती। क्या मेहरू आ गई है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर कोई नहीं हो सकती कि मेहरू इस घर में आ जाए। बताओ। हाँ शहरी, मेहरू आ गई है। कहाँ है वो? अपने रूम में, जहां तुम उसे दुल्हन बना के लाए थे। ऐसे ही खड़े रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? तुम अब तक नाराज हो मुझसे? अगर नाराज होती तो मैं यहाँ वापस नहीं आती। तो फिर कुछ बोलो। क्या कहूँ, मैं यहाँ आ गई, क्या ये काफी नहीं? मेरू मेरी जान,
मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे आने से मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो क्या अपनी खुशी का इजहार करने में भी क्या कोई बुराई है? नहीं तो? तो फिर? I love you so much. कहाँ रह गया शहरी? नंबर भी बंद है? यही था। मतलब घर पे था। अच्छा, तो फिर अपनी अम्मा के पास बैठे होगे? तुम्हें कोई इतराज? सब छोड़ो, तुम्हें पता है मेहरू वापस आ गई है। हाँ तो तुम तो ऐसे इत्मीनान से कह रहे हो जैसे वो तुम्हारे बुलावे पर यहाँ आई है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम उसे अभी और इसी वक्त घर से निकालो। वजह? मैं कह रही हूँ ना। तो कहती रहो, मेहरू कहीं नहीं जाएगी। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा दो। तो तुम उसे घर से नहीं निकालोगे? क्यों निकालूं उसे घर से? ये उसका घर है। नहीं है ये उसका घर, ये सिर्फ मेरा घर है। ये तुम्हारी गलत फहमी है शरीफ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम जानती थी ना मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, तुम धोखेबाज हो, फ्रॉडी हो तुम। तुमने जो समझना है समझ लो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम तो कहते थे ना कि तुम मेहरू को छोड़ दोगे, फिर? हाँ कहता था, मगर अब मुमकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है।